जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए जो अभी SSC GD 2021 का 25 मार्च से फॉर्म भरने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है नोटिफिकेशन आने वाली है SSC GD की, लेकिन आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो नोटिफिकेशन में नहीं लिखी हुई होती और भी आपको उसकी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, वीडियो एंड तक देखिए दोस्तों, ताकि आपका कुछ फ़ायदा हो सके इस वीडियो को जानने के बाद में। दोस्तों, इसमें मैं आपको विशेष तौर से इस वीडियो में एक तो सबसे कम किस राज्य की मेरिट रही है, अदर स्टेट से जो फॉर्म में अप्लाई करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, साथ में कौन से स्टेट की सबसे हाई मेरिट रही है, इसके अलावा अगर आप कौन से स्टेट से आपकी एजुकेशन है और कौन से स्टेट से आपका डोमिसाइल वेब सर्टिफिकेट है यानी आपका मूल निवास है तो आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, इसके बारे में ये पूरी की पूरी वीडियो। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रिजेक्शन लेटर SSC GD 2018 में बहुतों के जिनकी 10th क्लास की मार्कशीट कहीं की या क्या क्या रीज़न रहे थे उसके बारे में पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों। तो सबसे पहले इस वीडियो में शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है। बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं सर आपका ग्रुप कहाँ है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आपकी एजुकेशन के बारे में, आप सभी को पता है इसमें 10th क्लास आपकी पास होनी चाहिए। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहता है मेरे से कि दोस्त जो पूछते हैं कि सर हम बंगाल से 10th क्लास पास किए या राजस्थान से 10th क्लास पास किए, अभी प्रेजेंट टाइम में हम आंध्रा में रह रहे हैं या हम दिल्ली में रह रहे हैं या गुड़गांव में रह रहे हैं या हरियाणा में रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं, और हमारी अदर स्टेट से एजुकेशन है। तो दोस्तों, सबसे पहला ये पॉइंट काफ़ी बार मेरे पास में आता है इसके क्वेश्चन, और आप सभी को पता है आपके भी मन में ये क्वेश्चन रहते हैं, जितने भी बच्चे अदर स्टेट से एजुकेशन किए हुए हैं या अदर स्टेट में प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, जिनका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में फ़र्क है उनके लिए भी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ, आप चाहे कोई से भी 10th क्लास पास हो, वो मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए। आपको चाहे कोई से भी स्टेट से 10th क्लास पास हो और आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आपका मूल निवास है, आप जहाँ रहते हो चाहे कोई से भी स्टेट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, भले ही आपने कहाँ से भी 10th क्लास की एजुकेशन की हो, लेकिन वो मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए। और आप जहाँ पर रहते हो वहाँ का, अगर आप मान लो आप मूल निवासी कहीं और के हो, 10 साल से कहीं और रह रहे हो और आपके पास में अब वहाँ का मूल निवास है, तो आप उससे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपके पास में जो मूल निवास है या डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल होना चाहिए उस जिस स्टेट में या जिस सिटी में आप रह रहे हो वहाँ का। दोस्तों, दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले 2018 की जो फाइनल मेरिट रही थी, इसमें जो सबसे कम मेरिट रही थी, मैं आपको बता दूँ कि किस स्टेट की सबसे कम मेरिट रही थी और उसके रीजन भी। सबसे पहले कर्नाटक, सबसे कम कर्नाटक की कई मेरिट, कई डिपार्टमेंट की सीटें भी खाली रहेगी और कई डिपार्टमेंट की 33% जो कि नियम के अनुसार आपको लाने लाने होते हैं उस पर मेरिट रही है। कई डिपार्टमेंट जैसे BSF, असम राइफल, इनकी कर्नाटक में मेरिट 33 नंबर पे रही है। नॉर्मलाइजेशन के बाद भी कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा मेघालय, ये 5-6 स्टेट ऐसे हैं जिनकी मेरिट काफ़ी कम रही है। काफ़ी कम का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का नंबर 33% नंबर लाने पर भी आ गया है कई डिपार्टमेंट में, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद भी, यानी जो बच्चा 33 नंबर भी लेके आया उसका नंबर आ गया इन स्टेट में। जो सबसे हाई अगर इस पर अगर मेरिट रही है 2018 की, वो रही है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र, UP, MP, इन स्टेट की जो मेरिट रही है काफ़ी ऊपर है। मिडिल में जो रहे हैं जिनकी मेरिट थोड़ी बहुत कई किसी डिपार्टमेंट की ऊपर रही है, किसी की कम रही है, उसमें आप गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड, इन स्टेट की मेरिट बीच में रही। और भी जैसे दिल्ली हो गया आपका, गुड़गांव, यहाँ के जो दिल्ली स्टेट है, तो यहाँ की जो मेरिट रही है वो नॉर्मल रही है, लेकिन काफ़ी ऊँची जो इन स्टेट की रही है। अब इनका रीज़न क्या, आप सभी को काफ़ी बच्चों को पता है कि जो कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश, इधर गवर्नमेंट जॉब में डिफेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देकर बिजनेस पे, आप सभी को पता है बिजनेस में वो लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बिजनेस के अलावा सिविल सर्विस को ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो इसीलिए इन स्टेट की मेरिट SSC GD में हमेशा कम रहती है, इस बार भी कम रही है। तो कुछ बच्चे अगर आपके पास में वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ से फॉर्म में अप्लाई करना, और अदर स्टेट से कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में आगे। तो जो बच्चे वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो वहाँ से अप्लाई करना, क्योंकि वहाँ की मेरिट काफ़ी लो रहती है,
लेकिन जिसके पास में वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अब अदर स्टेट वाला कैसे कर सकता है उसके बारे में अगर मैं बताऊँ दोस्तों, बिल्कुल अदर स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ एक शर्तें होती है। अदर स्टेट से अप्लाई करने के लिए जो पहली जो शर्त होती है उसमें कुछ एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन की सीटें ही आपको प्रोवाइड की जाती है, उसके अलावा सीटें आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है। वहाँ पर सबसे पहली शर्त आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर केवल जनरल कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण लेकर अगर वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो वो आपका फॉर्म में अप्लाई नहीं होगा। आपके सबसे पहले आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, पहली शर्त ये। दूसरी आपको एक लिमिटेशन, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट अदर स्टेट को 5% सीटें प्रोवाइड करता है हर भर्ती में, तो एसएससी जीडी में भी 5% बच्चे अदर स्टेट से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी मेरिट अप रहती है तो कोई नहीं करता। लेकिन अभी गुजरात से काफ़ी बच्चे करते हैं, कर्नाटक से भी करते हैं, कई स्टेट से अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको पूरा विस्तार से बता दूंगा कि आपको कौन कौन से स्टेट से अप्लाई करना है। आपके लिए बेटर रहेगा कि वहाँ की मेरिट अच्छी रहेगी, तो वो मैं आपको जैसे नोटिफिकेशन आएगी उसको अच्छे से अध्ययन करके आपको अच्छे से बता दूंगा कि इस नियम के आधार पर आप इस स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। उसमें फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता, और क्या क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको उस वीडियो में ज़रूर बता दूंगा दोस्तों। अब बात करें कि 10th क्लास की मार्कशीट की, जैसे मैंने बता दिया, उसके अलावा अदर स्टेट की आपके ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अदर स्टेट से कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई वो कर सकता है जिसकी एज जनरल कैटेगरी में आती हो। दोस्तों इसके अलावा जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहता है मेरे से वो रहता है एज के बारे में कि सर एज रिलेशन क्या रहेगा। दोस्तों मैं बता दूं कि इस बार का वैकेंसी एक साल लेट जरूर हुई है, अब सभी को पता है कि एक साल लेट हुई है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि एसएससीजीडी एज में कुछ छूट देगी। अगर एज में छूट नहीं देगी तो 1 अप्रैल से इसकी एज काउंट होगी। 1 अप्रैल से आपकी अगर एज 18 से 23 साल के बीच में है, और ओबीसी के लिए आपको पता 3 साल की छूट मिल जाती है, एससीएसटी के लिए 5 साल की छूट एसएससीजीडी द्वारा मिल जाती है। अगर आप उस छूट के क्राइटेरिया में आते हो, उसके अंदर आते हो, तो आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एज में छूट का नोटिफिकेशन के बाद ही पूरा क्लियर हो पाएगा। कि फॉर्म में अप्लाई करने में एक विशेष, मैं कई बार बोल चुका हूँ, विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, फर्स्ट चॉइस का, उसका मैं वीडियो बना दूंगा या मेरे बनाया हुआ भी आप जाके देख लीजिए एक बार, और मैं आपके उसमें और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। तो आपको फर्स्ट चॉइस का विशेष ध्यान रखना, एक फॉर्म भरते समय विशेष जो ध्यान रखनी है आप सभी को बातें, वो है कि फॉर्म में कोई भी आपके नाम में मिस्टेक और आपके फादर नेम में मिस्टेक, आपके मदर नेम में मिस्टेक, और 10th क्लास की मार्कशीट के किसी भी पार्ट में जैसे रोल नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, उसमें कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में आपके माता पिता का जो नाम है वही आपके मूल निवास और कैरेक्टर सर्टिफिकेट में होना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। नहीं तो इस बार कई बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं और उनको कईयों को मौका मिला है, हो सकता है कि आपको मौका दिया जाए या ना भी दिया जाए, तो इसलिए विशेष ध्यान रखना। दूसरे, जब साइबर कैफे पे आप फॉर्म भरने जाते हो उस दिन विशेष तौर से ये नहीं कि मेरे को पढ़ाई करनी है, दोस्तों आपका भविष्य का सवाल है, ठीक है, 5 साल 3 साल 4 साल बाद में इसकी वैकेंसी आती है, आपके फ्यूचर का सवाल है, वो एक दिन आपको इसके लिए देना फॉर्म के लिए। पूरा अध्ययन अच्छे से आराम से फॉर्म भरें, ज़्यादा हड़बड़ाहट में हमेशा गलती होती है, करेक्शन करवाना पड़ सकता है, लेकिन एक बार गलती हो गई फिर फाइनल मेरिट के समय बहुत बच्चों को ज्वाइनिंग सेंटर से वापस भेज दिया गया, मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो आगे जाके आपको परेशानी हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक सिग्नेचर का मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, सिग्नेचर अभी आप जब फॉर्म भरने जाओ, जब सिग्नेचर करें उस सिग्नेचर को आप अपनी एक नोटबुक में ज़रूर कर लेना, वही सिग्नेचर करना आप अपने एग्ज़ाम के टाइम, फिजिकल के टाइम, मेडिकल के टाइम, किसी कारणवश आपका बायोमेट्रिक में आपके फिंगरप्रिंट मैच नहीं खाए तो उस समय आपके सिग्नेचर मैच करवाए जाते हैं। अब अगर आपके वहाँ पर सिग्नेचर मैच हो गए तो आपकी अच्छी बात, अगर नहीं हुए तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं काफ़ी बार इस बात पर जोर दे चुका हूँ, इसलिए सिग्नेचर का भी विशेष ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।